चाले बढ़िया सर फर्स्ट क्लास नाम बताइए अपना मेरा नाम अबीर है अभी टंडन मैं डेली से हूँ अब सर बहुत ही जिद्दी टाइप का लड़का हूँ लाइफ में सर जो चाहता हूँ उसको पाने की कोशिश करता हूँ रोडीज का मेरा ख्वाब है रोडी बनने का सर काफी टाइम से ट्राई करो अब माइंड इतना फर्स्टेट हो चुका है अब तो बस अंदर इतनी आग लग चुकी है बस अब फाड़ने का मन है अब जो भी करना है बस अब जीतना है बस सब तो बस लाइक अब बहुत हो चुका अब काफ़ी हो चुका है बहुत हार्ली अब जीतने का इरादा है बस पूरा रट्टा मारा हुआ ना क्या सर रट्टा मारा हुआ पूरा नहीं सर रट्टा नहीं मारा हुआ जो है बता रहा हूँ

मैं चाहता नहीं किसी का किसी की लाइफ वेस्ट करूं तो मेरी ऐसी मेंटालिटी नहीं बहुत है बहुत बढ़िया या वेरी नाइस लाइफ वेस्ट करेंगे आप रन इज वेरी इंप्रेस्ड विद दैट ये चीज है Stop. भाई ये तू क्या करे जा रहा है आई हैव आई थिंक माय सेल्फ द ग्रेट वॉरियर बिकॉज़ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेस अप विद मी यस आई एम स्टबन जो मुझे चाहिए लेकिन कोशिश मत करूँ ईजीली नहीं yes. भाई तू इतना मैसेप हो जाता है तू अपने आप को वॉरियर कह जाता क्या जीता तूने अब तक जीवियर? सर बताता हूं, मैं बताता हूँ आपको जब मैं तेरह साल का था सर मेरी फैमिली बहुत ही बहुत ही पोअर थी हम मतलब रेंट के शॉप रेंट के घर पर मतलब स्टे करते थे वहाँ पे तो सर मेरी मम्मी जो स्टार्टिंग से क्या करती मेरे पापा स्टार्ट नहीं करते थे पहले तो उनका था उनका मतलब कुछ काम वाम नहीं था तो बेसिकली मेरी मम्मी जो ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के अपने घर का गुजारा में करते थे तो सर मेरी मेरी बहन मतलब टूशन पढ़ाती थी पहले तो उसकी सर शादी जल्दी हो गई तो सर उसकी शादी हो रही थी तो सर उसके पास काफ़ी मतलब पंद्रह बीस बच्चे थे तो मम्मी ने बोला कि अब तो शादी उसकी हो रही है अब तो वो पढ़ा नहीं कुछ पढ़ा नहीं पाएगी बच्चे घर से चले जाएंगे तो हमारे पास कुछ खाने के पैसे कम हो जाएंगे हमें मतलब तो कुछ खा ढंग से पानी पाएंगे तो सर मैं आई वॉज इन आई वॉज इन नाइन क्लास डट टाइम मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ता था तो सर मैंने मम्मी की काफ़ी हेल्प करी जो बहन के मेरे बच्चे वगैरह थे मैंने उनको काफ़ी टीच करा वो सिक्स सेवन तक के बच्चे थे तो मैं ख़ुद नाइन्थ में पढ़ता था स्कूल से तीन बजे आता था मैं तो चार बजे क्लास लिया करता था उनकी मतलब मैंने तीन चार सर से ऐसे कंटिन्यू करा

वैसे तूने किया वॉरियर वाला क्या था जैसे सर मैंने लाइफ में बहुत तो दोस्तों की काफी करी है दिल नहीं दुखा वॉरियर कहा है तू अपने को वॉरियर मानता है सर मुझे ऐसा लगता है कि स... मैंने लगता क्वेश्चन नहीं समझा क्वेश्चन ये कि आपके हिसाब से इस दुनिया का ग्रेटेस्ट मतलब की सबसे बड़ा वॉरियर कौन है कहा मैं तूने तूने दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर अपने आप को बोला मुझे ऐसा फील हुआ मैंने जल्दी में लिख दिया मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने बहुत कुछ ठीक करा तो मेरे हिसाब से अपने आपको, उस पे पुट रहा अच्छा तू चल मुझे वॉरियर होता है और कौन सा सर्थ? सर्थ? हर कोई अपने लिए मतलब बेस्ट ही करता है हर कोई अपनी लाइफ की जंग जीतता है हर कोई मतलब में जिनका नाम हुआ है नाम कमाया है देखो मेरी फील्ड में सचिन तेंदुलकर ने बहुत नाम कमाया है ठीक है और ऐसे ही बड़े बड़े डिफरेंट चीज़ों में बड़े बड़े लोगों ने ना अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में सबसे बढ़िया हैं बिल्कुल ठीक ही हिस्ट्री में वॉरियर्स इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान या चाइना या इंग्लैंड या उनमें से आपको ठीक। किसी ठीक। एक वॉरियर का नाम याद है सर मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है जैसे अरविंद केजरीवाल है उन्होंने मतलब काफ़ी स्ट्रगल किया अपने मत स्टेट को उठाने के लिए आगे उन्होंने बहुत कुछ किया उन्होंने लोगों को धरने लगाए लोगों से मार खाई जस्ट किस लिए करा अपनी जॉब छोड़ी जस्ट अपने एक स्टेट को कंट्री को अच्छा बनाने के लिए मेरे हिसाब से उनका एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि वो ही बहुत ही एक नाइस पर्सन है अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ अ ग्रेट वॉरियर आई फॉलो है तो आपका कहना ये है कि वो पूरी स्टेट के लिए लड़ रहे हैं बट वो नंबर दो पे हैं क्योंकि पहले नंबर पे आप हो सर मैं ऐसा नहीं फील करता तो केजरीवाल तो नंबर दो हो गए सर नंबर वन पे मैं सबसे लास्ट में हूँ उसमें मैं सबसे लास्ट में हूँ मेरे एक जहन के लिए बता दो कि कोई ऐसा वॉरियर जिसने बहुत बड़ी कोई जंगें जीती हो कब्जे किए हों और जिसका ना झंडा लहरा हो बड़े देर तक कहीं सर इतना तो मुझे इतनी नॉलेज तो हिस्ट्री की फिलहाल है नहीं मेरे अकॉर्डिंगली जो अशोका था अशोका का राज काफ़ी फेमस था अपने टाइम के अंदर उसने जनता की भलाई के लिए बहुत कुछ काम किया था सड़कें वगैरह बनाई थी मतलब जनता को मतलब बहुत ही आज़ादी मतलब काफ़ी कुछ काम कर रहा था अब आप इससे पूछ लो कि पिछली बार जब आप रोडीज के ऑडिशन पर आए थे क्या हुआ था सर लास्ट टाइम सर मैं एक्चुअली आया था तो आप और रघु सर बैठे हुए थे तो सर उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किया था तो मैंने उनको मतलब बदतमीजी से या कुछ भी मिस बिहेवियर से उनको आंसर दिया था हमें तो मालूम नहीं तो आप हमें पूरा बताइए क्वेश्चन क्या क्या था आंसर exactly, मैं बताता आपको मैम एक्चुअली मैम हुआ क्या था ये बात बदतमीजी क्या थी ये भी बताता हूँ बताता हूँ आपको मैम एक्चुअली हुआ क्या था डेली की बात थी मैं रात को पी आई के लिए आया मैम सर ने मुझे फिर शाम को छः बजे बुलाया पहले मैं रूम के अंदर आया सर ने कहा प्लीज़ बैठ मैंने कहा सर थैंक यू तो सर ने कहा तूने मतलब सगु सर ने बोला मुझे कि तूने मतलब बहुत ही गलत काम किया था तो तूने कह सर से बदतमीजी करी तू अभी जा मैं तेरे को रात को तुझसे तुझसे बाद में बात करता हूँ तो मैं मेरा फिर नंबर रात के एक बजे आया उन्होंने मुझे रात को एक बजे बुलाया मैं दोबारा जाके मैम बैठा रघु सर सर बहुत गुस्से में थे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे उन्होंने मुझसे पूछा अभी तो मुझे अब ये बता तूने पहले जी में क्या किया था मैंने कहा सर मैं आपको बताता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने अपना बेस्ट दिया था उन्होंने कहा तूने बेस्ट नहीं दिया था तूने गलत किया था तूने गलत किया था मैंने कहा सर मेरी आप पहले मेरी बात सुनी मैंने कुछ गलत नहीं किया था सर का गुस्सा आया था उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया था कह रहा तू झूठ बोल रहा है तू झूठ बोल रहा है तू झूठ बोल रहा है तू गलत बोल रहा है मैंने कहा सर मैं गलत नहीं बोल रहा मैम एचुअली इतना अग्रसिव हो चुका था इस टाइम इतना गुस्सा हो गया था कि सर मुझे गलत प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे थे जो कि मैंने ऐसा काम किया नहीं था तो सर मैं मैम तो सर ने मेरी बिना बात बोले मुझे वहाँ से उठा के बाहर फेंक दिया तो सर को आज भी फील होता है कि मैंने बदतमीजी की थी बट मैम एक्चुअली मैंने बदतमीजी नहीं की थी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मुझे ऐसा फील हुआ था मैंने उनको वहाँ पे ऐसा रखा था ये बात है तो तो आपको क्या लगता है कि सर ने बदतमीजी की थी अगर सर, आप ने, ने, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया और अगर किसी इंसान ने आपको ऐसे उठा के बाहर फेंक दिया क्योंकि थे, थे, उनको किसी और चीज पे गुस्सा आया था तो आप यही कह रहे हैं ना कि उन्होंने बदतमीजी बदतमीजी नहीं की थी मैं उनको गुस्सा आ गया था कि मैं उनकी बात को मैं काट रहा था अरे यार मेरी बात सुन तुमने तूने बोला ना ये सही है ना ये सही है ना ये सही है इसमें किसी को गुस्सा क्यों आएगा ये तो बड़ा सही सी बात कर दी थी सता नहीं चला मत दो तीन लड़के वहाँ पे और बोल रहे थे गलत मैं है ये गलत मैं, मैं, दो, दो साल, साल है तो मैंने बोला तुम झूठ हो तुम ये सर के गुस्सा आया तो उनके बीच में क्यों बोल रहा है जब वो बोल रहे मैं रूम में था तो मैं काफी शाउट कर रहा हूँ मुद्दे पे अगर हम आपसे कोई सवाल पूछे ना आपकी तमीज यही है कि आप सच उसी वक्त बता दें। बिल्कुल ठीक ये हमको आपसे छह सवाल नहीं पूछने चाहिए ठीक है मैम हम आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे आप सच बिल्कुर, बताएंगे बिल्कुल ठीक तो अब सच सच बता कि बेसिकली ये ये मामला नहीं था कि केजरीवाल कांग्रेस ये सब कुछ नहीं था क्योंकि तू बदतमीज था इसलिए तुझे गुस्सा आया था इसलिए तुझे उठा के बाहर फेंका गया था तू तो दिखाता है कि हाँ मैं ये हूँ मैं ये हूँ पर तेरे में कुछ नहीं है सर ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है सर हर बंदे की मैंटेलिटी अलग अलग होती है अगर सौ इंसान है सौ का दिमाग अलग अलग होता है सबका दिमाग सेम नहीं होता कोई आदमी क्या सोचता है कोई आदमी क्या सोचता है हर की मैंटालिटी अलग अलग है देखो इसीलिए दो साल पहले भी रघु सर ने निकाला था तीन साल की वजह से तीन साल जी

इंटरमीडिएट like तो तो है? है नहीं नहीं। या फीमेल। फीमेल है। yeah. अब अलग सवाल। गे गे कौन होते हैं हैं, आपके हिसाब से? मैम भी भी अलग अलग कैटेगरी के अंदर आते उनका भी मतलब जो जेंडर जो होता अलग ही होता है बेसिकली उनका जेंडर भी कोई डिफाइन प्रॉपरली नहीं हो पाता ऐसे मेल है तो वो गे जेंडर उनका अलग तो है इतना मेरे बेवकूफ है ना तो इतना, इतना बेवकूफ है नॉट पीपल हुक्शुअल प्रेफरेंसेस

ये मिक्सअप क्या है ये तो मिक्सअप मिक्सअप क्या बोल रहा, रहा है यार यहां पे तू जूस बना रहा है मिक्सअप तू बोल के आई एम आस्किंग यू ये जो आप दो इंसान जब आप बाइक पार्क कर रहे थे वो लड़के थे या लड़कियां थी मैं हम दोनों का मिक्सचर ही लगा मुझे तो अरे यार अरे यार थप्पड़ मारा याद है ये नहीं पता कौन था है

आदमी अपनी पॉपुलेशन कैसे आगे बढ़ा मैंने लिखा कि औरतें काफ़ी पेन फील करती हैं जब वो बेबी प्रोड्यूस करती हैं तो उनके सबसे अच्छे इससे बड़ा दर्द कोई लाइफ में भी होता नहीं है तो औरतें भी मतलब बहुत सुपीरियर हैं मैं इनसे दोनों इक्वली चलते हैं मैंने ऐसा लिखा है so, सोसाइटी में औरतों का क्या रोल हुआ वो तो पेन बस ले रही है ना सर सोसाइटी में सर औरतें काफी फील करती है मतलब एक फैमिली को संभालती है सब कुछ देखती है अपने मतलब बच्चों की केयर करती है फैमिली सर औरत चलाती है फैमिली को सर कैसे तो मतलब अपनी औरतें जो हैं वो हाउस वाइफ के काम की है सर बेसिकली सर एक वुमेन का जो बेसिकली एक वुमेन का जो होता है सर फैमिली को देखना भी होता है अपना भी पर्सनली देखना भी होता है

आगे कहते हैं डोंट मैस मैस अप विद मी है ये तेरे तेरे डिस्क्राइब करने के वर्ड्स हैं जो तेरे को डिस्क्राइब करेंगे हैं कौन सा पहलवान है कामा पहलवान है तो? सर पहलवान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पहलवाने के लिए मैंने वो नहीं लिखा ऐसा कुछ तो फिर ये क्या है अब ऊपर लिखा है प्लीज प्लीज या हाँ अबीर तो तू अगर कभी अगर हम तुझसे पूछते हैं डिस्क्राइब से कैसा आदमी है

मैं सोच तो समझ के लिखा है मैंने जो मुझे फील हुआ मैंने सही या तो तूने तो तो सोच समझ के लिखा है या तो तूने जल्दी लिखा। मैं में लिखा है मेरा एक आंस जल्दी में हो जाता है जितना तो, मुंह खोलता हूं उतना मैं कन्विंस हो जाती हूं कि तू बेवकूफ है हाँ। मतलब हो क्या रहा है यार कुछ तो बोल ठीक से तू स्टबन है तू बेवकूफ है तेरे में तमीज है नहीं जो इंसान यहां नहीं है वो बदतमीजी से उनके बारे में कुछ भी बोल रहा है औरतों का काम तूने बता दिया कि भैया बच्चा पैदा करना है, होता है घर संभाल सर मैंने उसमें सर ऐसा लिखा नहीं है कि बच्चा सर, मैंने ऐसा तुम्हारी नहीं लिखा। सोच बता रहा हूँ हज़ार बातें होती है औरतों के लिए ऐसा तो है नहीं आ पाती है ऐसा नहीं हो पाता बॉडी को ठीक करने लिया सर प्रोटीन्स वगैरह चलते रहते हैं हल्के फुल्के अलावा लेता नहीं मैं क्या ड्रग भी क्या लेता

तू बचपन से ऐसा था नहीं सर तो नेचुरल नहीं है तूने तूने इसको बनाने के के लिए लिए साइज बड़, बड़ा करने के लिए क्या किया इंजेक्शन लिया का चल तू एक टास्क करके दिखा दे

कोई बात नहीं सर मैं हार गया मैं कोई दिक्कत नहीं मैं मार चुका भाई मेरे तू ना देख ना तू हारा ना कोई जीता है तेरे पास एक मिनट है तू इनको इम्प्रेस कर ले कि क्यों तू रोडीज में होना चाहिए तो अगर उनको लगता है वो डेफिनेटली ले लेंगे चाहे वो चिनअप्स मारना है डंड मारने हैं बैठ के मारनी है ये बात करनी है वो तेरे ऊपर है तुम्हारा एक मिनट स्टार्ट उठता है अभी क्योंकि बाकी लोग और भी हैं तो टाइम सबको हमने उतना ही देख चलिए करण सर नेहा मैम रन सर प्रिंस सर सर पहली बार सर मैं एक्चुअली बहुत ही ऐसा मैं गंदा लड़का नहीं हूँ कि ना मैं बहुत ही बुरा हूँ दिल का सर बहुत साफ हूँ कई बार ऐसा होता है कि बातें ढंग से नहीं लिख पाता बंदा ढंग से बंदा नहीं बोल पाता फोर में सारी बातें वो नहीं आ पाती हैं मैम दिल का बहुत साफ हूँ पैशन मेरे अंदर बहुत है कभी लाइफ में हार नहीं मानता हमेशा जीता जीताऊँ जीत के जाऊँगा शो जहाँ भी आऊँगा मैं जीत के जाऊँगा आई प्रॉमिस जिता के जाऊँगा अभी तबियत ठीक नहीं है पर फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है शो में आऊँगा जो मैम लेगा उसे जिताऊँगा

come yeah, on oh, man them to like, do the chest down proper no, push up wow. who wow हम वो कैमरा उतर गया तो स्टॉप कर दिया मैंने इसलिए हां सर कैमरा नीचे आ गया था तो रुक गया मैं कैमरा नहीं है वो तो हमारे माइक 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 ये मार ले ये मार ले वो तो मार लेगा बस यार करने दो मसल यार मसला तो उसको फेयर मसला आप एक मसला मसल बहुत अच्छा लगा एक फेयर चांस आप, देना चाहिए मसला स्ट्रेस एक नहीं ज्यादा नहीं ऊपर जाना है पुल अप करके फिर ऊपर चढ़ना है स्मूथ या ऊपर 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 चढ़ जा ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ो पूरा ऐसे बार पे ये ले नीचे नहीं चढ़ दिखाना पड़ेगा मसला दिखा दे एक बार दिखा दे एक, एक मसला तो बनता है एक बार ऊपर जाके ये कर वो होता है मसला हाथ सीधे ऐसे करने हैं ऊपर जाके हाँ ओके अभी ऊपर नहीं बाहर बाहर के, हाँ। के साथ भाई आजा नहीं होगा तेरे साथ बाहर के साथ। सर मुझे ऐसा नहीं पता मैं करते था नहीं, नहीं नहीं ये वाली एक्सरसाइज नहीं आ, आती नहीं है तो फिर करवाएं क्यों है ना इज़ नॉट गेट नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ज़ेरो अभीर थैंक्स फॉर कमिंग सर ऐसी बात नहीं है सर ये क्या पता साइड नोट ये क्या मैं कर देता अरे वो तो ऐसी नॉर्मल तो... चीज पूछ रहे थे ना

जिस दिन रोडीज ऑडिशन आएगा ना उससे एक रात पहले मत सोना उस दिन आ जाना ऑडिशन पे पूरे साल अपना दिमाग मत खराब करो उसके लिए प्लीज लिव योर लाइफ अपने साथ साथ दूसरों का भी मतलब जितने लोग तुम्हारे साथ हैं तुम्हारे दोस्त लोग तुम लोग बहुत सारे लोग एक ही ग्रुप पे हो ऑडिशन करते हो एक साथ जब तक ऑडिशन होता है जो दस पंद्रह दिन ग्रेट उसके बाद गो बैक टू योर लाइफ अगर नहीं होता बनना है इसी बार बनना है सर

आज का मेरा लिमिट अगर होता तो और एक ओवर में तीन से गुगलियां होनी भी नहीं चाहिए सारी गुगलियां होंगी तो फिर नहीं पता क्या मैं गुगलियां होंगी कर भी लेता बट <laughs> मैम बस एक ऑफर सही है ओनली एक चांस बस एक चांस नेक्स्ट टाइम मैम अप्रूव दिखाऊंगा आपको तो मैम नहीं होगा तो मुझे उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं बाहर निकल जाऊंगा थैंक यू नेक्स्ट कंटेस्टेंट